नमस्कार मीनू के पकवान में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे ब्रेड बड़ा। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा खाने का सोडा, पानी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक छोटी चम्मच मिर्ची पीसी हुई, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, दो आलू उबले हुए, एक मुट्ठी हरी मटर उबली हुई, एक पीस पनीर इतना ये साइज का, चार ब्रेड के पीस। ब्रेड के पीस सबसे पहले तो उसे काटेंगे तिरकोनी इस तरह से, सारे ब्रेड को काट लेंगे। आलू छिलके निकाल के बारीक अच्छे से मसल ले इसे, मटर भी अच्छे से चूरा कर ले बारीक, पनीर भी इसी में मिलाएंगे, चूरा करके अच्छे से बारीक अच्छे से इसे इस तरीके से अच्छे से चूर लेंगे। अब मटर और आलू में पनीर मिक्स कर दिया, धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा पतला करेंगे ताकि ग्रेट में अच्छे से चिपक जाए। अच्छे से मिक्स हो गया है, ये ब्राउन तैयार हो गया है। ज्यादा पतला नहीं करेंगे। इस तरह से भरन इसमें भरेंगे ब्रेड में, इस तरीके से सारी ब्रेडों को अच्छे से दबा दबा के करेंगे। बेसन में नमक सोडा डालेंगे, घोल बनाएंगे, ज़्यादा पतला घोल नहीं करेंगे। गैस जला के नॉन स्टिक तवा गरम करेंगे। तवा गरम हो गया है, आंच कम कर देंगे,
धनिया करेंगे ब्रेड को तरीके से अच्छे से दोनों साइड से लगा लेंगे अच्छे से घोल। पलट देंगे इस तरीके से पलटेंगे। हो गए हैं अब निकाल लेंगे। गर्मा गर्म खाइए, आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी, टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार फिर मिलेंगे मीनू के पकवान में नई डिश के साथ।